दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में हुए बॉल टेम्परिंग केस में आईसीसी द्वारा स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सुनाई गई सजा पर भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी नाराजगी जताई है। बता दें कि बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को एक टेस्ट मैच के लिए निलंबित किया है। स्मिथ पर मैच फीस का 100% जुर्माना भी लगाया गया है। स्मिथ के अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनिंग बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को आईसीसी ने 3 डिमेरिट अंक दिए हैं, साथ ही उन पर मैच फीस का 75% जुर्माना लगाया है। इन खिलाड़ियों को मिली सजा पर हरभजन सिंह ने अपनी नाराजगी जताते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में भज्जी ने लिखा, वाह आईसीसी वाह, फेयर प्ले, बैनक्रॉफ्ट पर कोई बैन नहीं जबकि सारे सबूत थे। वही 2001 में साउथ अफ्रीका में जोरदार अपील करने के कारण हम 6 पर बैन लगा दिया गया था और वो भी बिना सबूत के। और सिडनी 2008 तो याद होगा, दोषी साबित नहीं होने पर भी 3 टेस्ट का बैन, अलग अलग लोग अलग अलग नियम। तो वही इस मामले में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा, एक मैच का बैन और मैच फीस का 100% जुर्माना स्मिथ के लिए, बैनक्रॉफ्ट पर 75% जुर्माना और डीमेरिट अंक, ये समय मिसाल कायम करने का था और ये कैसी सजा सुनाई है। क्रिकेट जगत के दिग्गजों द्वारा आईसीसी के इस फैसले पर दी जा रही कड़वी प्रतिक्रियाओं से ये साफ है कि आईसीसी के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है। और आगे इस पूरे मामले पर क्या निकल कर सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।